अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जहाने उर्दू कायदा का सफा नंबर 23 खोलें। आज हम सीखेंगे हरूफ को मिलाना। प्यारे बच्चों, जब हम हरूफ को अलिफ के साथ मिलाते हैं तो उनकी शक्ल बदल जाती है। जब हम अलिफ को अलिफ के साथ मिलाते हैं तो अलिफ मदा बनता है। इसी तरह जब हम बे को अलिफ के साथ मिलाते हैं तो बे की शक्ल तब्दील हो जाती है और बे की ये वाली शक्ल अलिफ के साथ जुड़ती है और लफ्ज़ बनता है बे अलिफ बा। इसी तरह भे के साथ जब अलिफ जुड़ता है तो भे अलिफ भा बन जाता है। पे के साथ जब अलिफ जुड़ता है तो पे की शक्ल तब्दील हो जाती है और पे की ये वाली बदली हुई शक्ल अलिफ के साथ मिलकर पे अलिफ पा बनाती है। इसी तरह फे के साथ जब अलिफ जुड़ता है तो फे अलिफ फा बन जाता है। जब हम ते को अलिफ के साथ मिलाते हैं तो ते की शक्ल बदल जाती है और ते की ये वाली बदली हुई शक्ल अलिफ के साथ मिलकर ते अलिफ ता बनाती है। थे जब अलिफ के साथ मिलता है तो थे अलिफ था बनता है। टे को जब हम अलिफ के साथ मिलाते हैं तो टे की शक्ल बदल जाती है और टे की ये वाली बदली हुई शक्ल अलिफ के साथ मिलकर टेलिफ टा बनाती है। जब हम ठे को अलिफ के साथ मिलाते हैं तो ठे अलिफ ठा बनता है। प्यारे बच्चों, हम अब अपनी किताब के सफ़ा नंबर 23 से हरूफ को अलिफ के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। जब अलिफ के साथ मिलता है तो अलिफ मद्दा बनाता है। बे जब अलिफ के साथ मिलता है तो बे की शक्ल बदल जाती है। बे की ये वाली शक्ल अलिफ के साथ मिलकर बे अलिफ बा बनाती है। बे जब अलिफ के साथ मिलता है तो बे अलिफ बा बनता है। पे जब अलिफ के साथ मिलता है तो पे की शक्ल बदल जाती है। पे की ये वाली शक्ल अलिफ के साथ मिलकर पे अलिफ फा बनाती है। फे जब अलिफ के साथ मिलता है तो फे अलिफ फा बनता है। ते जब अलिफ के साथ मिलता है तो ते की शक्ल बदल जाती है। ते की ये वाली शक्ल अलिफ के साथ मिलकर ते अलिफ था बनाती है। थे जब अलिफ के साथ मिलता है तो थे अलिफ था बनता है। टे जब अलिफ के साथ मिलता है तो टे की शक्ल बदल जाती है। टे की ये वाली शक्ल अलिफ के साथ मिलकर टे अलिफ टा बनाती है। ठे जब अलिफ के साथ मिलता है तो ठे अलिफ ठा बनता है। से जब अलिफ के साथ मिलता है तो से की शक्ल बदल जाती है। से की ये वाली शक्ल अलिफ के साथ मिलकर से अलिफ सा बनाती है। जीम जब अलिफ के साथ मिल जाता है तो जीम की शक्ल बदल जाती है। जीम की ये वाली शक्ल अलिफ के साथ मिलकर जीम अलिफ जा बनाती है। जे जब अलिफ के साथ मिलता है तो जे अलिफ झा बनता है। चे जब अलिफ के साथ मिलता है तो चे अलिफ चा बनता है। छे जब अलिफ के साथ मिलता है तो छे अलिफ छा बनता है। खे जब अलिफ के साथ मिलता है तो हे अलिफ हा बनता है। खे अलिफ खा, दाल अलिफ दा, धे अलिफ दा, दाल अलिफ दा, ढे अलिफ ढा, जाल अलिफ जा, रे अलिफ रा, रे अलिफ रा, रे अलिफ रा, जे अलिफ जा, जे अलिफ जा, सीन अलिफ सा, शीन अलिफ शा, स्वाद अलिफ सा, ज़ाद अलिफ ज़ा, तोए अलिफ ता, ज़ोए अलिफ ज़ा, आयन अलिफ आ, गाइन अलिफ गा, फे अलिफ फा, काफ अलिफ का, काफ अलिफ का, खे अलिफ खा, गाफ अलिफ गा, घे अलिफ घा, लाम अलिफ ला, ले अलिफ ला, मीम अलिफ मा, नून अलिफ ना, ने अलिफ ना, वाव अलिफ वा, हे अलिफ हा, ये अलिफ या। तो इस सफ़े पर मौजूद हरूफ की अलिफ से जुड़ने वाली छोटी अशकाल की पहचान करें और इसे बार बार दोहराएं ताकि आपको हरूफ को अलिफ के साथ मिलाना आ जाए। अल्लाह हाफिज़।